स्वागत है आप सभी का टेस्नो कबील यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने गैलरी को लॉक कैसे कर सकते हो, अपने गैलरी के एक एक फ़ोटो को लॉक कैसे कर सकते हो। मान के चलो आपने पांच फ़ोटो रखा हुआ है किसी का, जो कि किसी को दिखाने वाले नहीं हो, तो वहाँ पर पाँच फ़ोटो को लॉक कर दोगे तो वहाँ पर कोई भी बंदा देख नहीं पाएगा। सिंपली ऐसा होता है कि प्राइवेट फ़ोटो जो होता है किसी को, मम्मी पापा या किसी को हम दिखा नहीं पाते हैं, उसको प्राइवेट में रखना चाहते हैं या कोई भी बंदा देख ना पाए, उसको हम हाइड करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जिसको यूज करते हो तो कोई भी बंदा देख नहीं पाएगा, सिर्फ आपके सिवा सिर्फ आप देख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑन कर लेना, ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। छोटा सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पर लिखना है नाइस ट्रिक, नाइस वीडियो, वेरी नाइस वीडियो, लिख करके छोटा सा कमेंट कर देना है। तो सिंपली दोस्तों आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा एप्लीकेशन को मदद लेना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वहाँ पर सेटिंग क्या करनी है। तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या क्या सेटिंग है सारी प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। तो सिंपली इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन होगा, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 अंक का पासवर्ड क्रिएट किया और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, तो यहाँ पे सिंपली आपको अलाउ कर देना है। दोस्तों यहाँ पे उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना होगा, क्योंकि भूल जाते हैं तो आप अपने ईमेल आईडी से उस पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम अपना ईमेल आईडी एक डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे उसके बाद दूसरा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है, जैसे एप्लीकेशन ओपन करते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है जैसे कि देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप जो भी फ़ोटो को ओपन करोगे अपने गैलरी में, यहाँ पे क्लिक करके और जो भी चूज कर लेना, और चूज करने के बाद यहाँ पे एक नीचे इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, ये दोनों फ़ोटो लॉक हो चुका है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। बिल्कुल हाइड हो चुका है, आपको हम दिखा देते हैं गैलरी पे जा करके। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपने गैलरी को ओपन किया हुआ है, लेकिन वो फ़ोटो आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर सिर्फ आप उसी एप्लीकेशन में जा करके देख पाएंगे। तो सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो आपने पासवर्ड एंटर किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे वो दोनों फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जो आपने हाइड किया हुआ है, आपको गैलरी में फाइल में कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा, मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो है ना काफ़ी कमाल के। तो गाइज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है LOCK लॉक, और यहाँ पर MI लिखना है, MI MY, और उसके बाद PIX, ठीक है, लॉक माई पिक्स लिख करके यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे फर्स्ट नंबर में एप्लीकेशन आ जाएगी, सिंपली आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ठीक है, और जो सेटिंग मैंने बताई है सिंपली आपको उस प्रकार से सेटिंग को कर लेनी है।